मिली नैरो अस्सलाम वालेकुम, मैं ना दो गोल्ड मेडलिस्ट के साथ खड़ा हुआ हूँ, ओके, ये स्पेशल ओलंपिक्स में हमारे लिए ये दो जीत के आए हैं, एक ही जीत के आए हैं बैडमिंटन में, राइट, एंड आई नो बैडमिंटन बड़ी सख्त स्पोर्ट होती है, बट इनके साथ क्या होता है कि जब ये इट हैपन्स इन एवरी इंडस्ट्री, ठीक है, जब जब इन पे रोशनी होती है, स्पॉटलाइट इन पे होती है, तो सारे तालियां लगा रहे होते हैं, तमगे थमा देते हैं, बट व्हेन दे कम बैक दे डोंट हैव, जिसको हम यूके में हम वजीफा बोलते हैं, लाइक गवर्नमेंट ना एथलीट को फिक्स देती है, वो हमारे मुल्क में नहीं है, दीज गाइज नीड अ सोर्स ऑफ इनकम, तो वहाँ उसके उस मतलब मेरे साथ बात कर रहे हैं, एंड दे हैव अ रियली गुड ब्रांड P2, ठीक है, बट इसको सपोर्ट करनी है आपने जिधर भी आप देखोगे, बट मैं इनको जो एडवाइस देने जा रहा हूँ इट अप्लाइज टू लॉट ऑफ थिंग्स, हमारे पाकिस्तान में एक बीमारी है, एंड ओनली रिसेंटली आया कि कनाडा के बाद हम तीसरे सबसे सोशल एंटरप्रेन्योर वाली कंट्री हैं, यार ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना गिरा दो, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे कमाओ, हम कहते हैं हम पैसे भी कमाएंगे, लोगों की हेल्प भी करेंगे, यार ये जो हेल्प करने वाला चक्कर है ना, हम जस्टिफाई करते हैं, हम लोगों को जस्टिफाई का क्या होता है कि हमें शर्म आती है पैसे कमाने से, हम कहते हैं नहीं 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 मैं पैसे नहीं कमा रहा, मैं देखो मैं गरीबों की भी हेल्प कर रहा हूँ, मैं आपको मुंह खुला कह रहा हूँ मैंने गरीबों की हेल्प करना छोड़ दिया है, नो मैं चैरिटी दूंगा, ज़कात अपनी दूंगा, बट अब मैंने किसी गरीब को नहीं पढ़ाना, पैसे दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, सिक ऑफ टीचिंग गरीब बंदे, क्योंकि इट्स नॉट बेनिफिटिंग अस, ठीक है, ना डिग्री ना गरीबों को, पहले अमीरों को पढ़ाओ, जब अमीर पढ़े लिखे हो जाएंगे ना, ट्रस्ट मी खुद ब खुद ट्रिकल इफेक्ट आ जाएगी, ओके, बिकॉज़ इफ आई एम टू टीच यू कि ऐप क्या होती है, और गरीब के पास फोन ही नहीं है, ठीक है, उसको पता ही नहीं ऐप क्या, मैं उसको ऐप डेवलपमेंट सिखाऊंगा, इट डजेंट वर्क लाइक दैट, सो सिमिलरली ये जब कह रहे थे ना कि हम किचन भी रन करते हैं, फिर इसकी भी हेल्प करते हैं, इस भी हेल्प करते हैं, मैं आपको एडवाइस ये दूंगा यार, ये हेल्प हेल्प छोड़ दो, सीधे का सीधा ना लुक लिख दो गोल्ड मेडल रेस्टोरेंट, ओके यार गोल्ड मेडल, उसमें अगर हेल्प करनी है ना तो क्या के जब कमाओगे प्रॉफिट बनाओगे तब किसी की हेल्प कर देना, ज़कात अपनी इस पे रख देना, इनको दे देना, बट रनर रेस्टोरेंट दैट इज बेस्ड अपॉन खाना, अब मैं कल किधर गए थे हम ना तकरीबन यार एक रेस्टोरेंट, आज किधर गए थे, हाउडीज गए थे, मैंने आज के बाद हाउडीज कभी नहीं जाना, सॉरी जस्ट आई डिडंट लाइक द फूड, ओके, इफ आई गो देयर आई डोंट केयर योर ढाबा क्यों नहीं है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स इन दुबई इज कॉल्ड रावी, ठीक है, उनकी चार ब्रांचेस हो गई हैं, इंडियन वाले रवि कहते हैं, हम रावी कहते हैं, इधर के ही हैं, गुजरांवाला के बंदे हैं, दे रन इट, तो उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में होल इन द वॉल, एमी सी, लो क्वालिटी नहीं, यानी बिल्कुल बेसिक सी जगह, लेकिन हम सारे जाके खाते हैं, वो ठीक ठाक पैसा भी लगाते हैं, इट्स अबाउट द फूड, आप खाना अच्छा करो, बाकी छोड़ दोगे जी यार आप आओगे यहाँ पे खाओगे कुछ पैसा आपका चैरिटी को जाएगा, वी डोंट केयर, वी सीरियसली डोंट केयर, और आप एक और बार आपने देखा होगी कि वो टीवी पे मैंने देखा जो डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं वो खुद ही बाहर जा रहे हैं और खुद ही अपने खर्चे पे हर जगह जाते हैं, हाँ। खुद ही बनाते हैं, पिज्जा बना रहे हैं, हाँ। कोई बच्चा सैंडविचेस फ्राइज बना रहा है, उसके लोगों को शेयर कर रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, yes. और फिर हमने ये बच्चों को हमने सिखाना है, और जो बच्चे बना सकते हैं हम लोगों को बताएंगे इन्होंने ये बनाया और ये बताएगा कि मैंने क्या किया है। लुक, वन ऑफ द थिंग्स दे डू इज कि जो इवेंट्स होते हैं ना, दिस गाय रन्स केटरिंग दैट, अगर ये बंदा राइट, आई एम सॉरी आप पे मैं आपकी मिसाल दे रहा हूँ, बट क्या कि अल्लाह ने आपको कुछ वो काबिलियत नहीं दी जो इनको सबको दी है, और अगर ये जो देखने वाले कहते हैं ना कि मेरे से नहीं होता, तो लानत इन पे, हमारा असल हीरो ये खड़ा हुआ है जिसको अल्लाह ने, वैसे तो कह रहे हैं यार तू ना पता क्या मांगने वाला बन जा, और तेरा तो कुछ नहीं होना, बट ये बंदा रेस्टोरेंट का ओनर है, सो आप भी बन सकते हो, जब आप सब लोग आएंगे, आप हमारे साथ आएंगे खाना पीना, आपको लगेगा कि किसने बनाया और कैसे बनाया, कैसे लगा, आप कहोगे हमको वाह जी वाह सुनील आप अच्छे प्लेयर हो, अच्छा बना रहे हो आप, हम आपको जॉब भी कराएंगे, आप कुछ बनाओगे कहोगे कि ये मैंने बनाया है, हम आपको पैसे भी देंगे, सब कुछ देंगे। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, अगर आपके पास कोई बंदा है जो डिसेबल्ड है, बट हर डिसेबल्ड बंदे के साथ एक एबल्ड आना चाहिए, डिसेबल्ड वाले को मुफ्त की है, एबल्ड वाले को 10,000 रुपये में ये सिखाएंगे, ओके, एंड व्हाट दे विल, मॉर्निंग का सेशन है, ये इनका नंबर है 0312534130, समीर इनका नाम है, ये सिखाएंगे, दे हैव अ फुल्ली इक्विप्ड किचन, कुकरी क्लासेस है, मिनिमम 2 महीने आप इनके साथ लगाएंगे, 10,000 पर मंथ है,
दैट्स फॉर जो एबल्ड बंदा है, जो क्या कहते हैं, जो डिसेबल्ड है उसकी फ्री है. बट दो दो पैर्स पैर्स में आप आइएगा, कम लर्न हाउ टू कुक फ्राइज बेस्ट तरीके से किस तरह होते हैं, सैंडविचेस, क्लब सैंडविचेस, पिज्जाज वगैरह वगैरह. इफ यू हैव समबडी दैट यू टेक केयर ऑफ दैट इज डिसेबल्ड और उसको उसके लिए एक्टिविटी ढूंढ रहे हो, मेक देम इनटू अ शेफ, उनको एम्पावर करो. ठीक है समीर, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू. थैंक यू. ओके, आप भी डबल गोल्ड मेडलिस्ट. मैंने कहा मैं तो इधर पहन के ऐसे घूमूं फखर से. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सर. एक सवाल पूछना आपसे. ओ आप भी सुन लीजिए यार, ये जो गोल्ड मेडल होते हैं सोने के होते हैं? असली सोने के? नहीं नहीं नहीं, ये वो उसमें चढ़ी होती है, कलर कलर चढ़ा था. यस, उस पे लिखा होगा स्पेशल ओलंपिक्स. लिखा होता है कि हम लोगों को दिखाएंगे कि हम स्पेशल ओलंपिक्स वाले बच्चे हैं, वो गोल्ड मेडल लेके आए, जीत के आए हैं. मुझे पता है, मुझे शक पता क्या, मैं नहीं कहता, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता. चलो ठीक है, मैं पूरी जिंदगी सोचता था यार पूरा सोने की टिक्की देते हैं. चलो ठीक है, अगेन लास्ट टाइम ऐसे ऐसे एंड आप इधर लेके आए. ठीक है मीटर से, अस्सलाम वालेकुम.